नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग लगातार चल रही है और ट्रेड करने वाले अभी भी नहीं रुक रहे हैं, क्या 30% टैक्स की बात हो या 1% TDS की बात हो। लेकिन हम एक जो है पार्ट भूल जाते हैं, एक तरह से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आप कह सकते हो एक्चुअल में एक गुड सिटीजन के नजरिए से देखते हैं तो एक आम आदमी वैसे तो टैक्स भरता ही है, लेकिन इनकम टैक्स की एक डेट होती है जिसके अंदर उसको भरना पड़ता है टैक्स। और क्रिप्टो करेंसी वाले जो लोग हैं उनमें बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है, कई लोग गलत भर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वहां पे एक सेक्शन दे रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि उसके अंदर आपको क्रिप्टो करेंसी का अपना टैक्स भरना है, लेकिन कोई कैपिटल में भर रहा है, कोई कैपिटल गेन टैक्स में भर रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है। और इनफैक्ट जो फीडबैक निकल के आ रहा है यहाँ पर प्रोफेशनल भी गलतियां कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या एक्चुअल में लास्ट डेट है, क्या कैसे टैक्स भरें और क्या लोग गलतियां कर रहे हैं और आपको इससे बचना है। और अगर आपने क्रिप्टो टैक्स भरते हुए गलती कर दी है तो इसको अभी भी ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गई है कि आप दोबारे उस चीज को ठीक नहीं कर सकते। उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है उस बारे में आज हम दोबारे से बात करने वाले हैं और इसी के लिए हमारे साथ में है एक खास मेहमान, राहुल गुप्ता जी, सीए राहुल गुप्ता जी, और लगातार हम उनसे कंसल्ट करते रहते हैं क्रिप्टो टैक्स को लेके कुछ भी अगर हमें दुविधा होती है। तो आज जो है बहुत सारी चीजों के जो समाधान है हम खोजने की कोशिश करेंगे और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि राहुल गुप्ता जी हमारी इसके अंदर भरपूर मदद करने वाले हैं। तो राहुल गुप्ता जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप सर। धन्यवाद पंकज जी और धन्यवाद सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ एक छोटे से पॉइंट के साथ। क्या आपने अभी भी अपनी आईटीआर नहीं भरी है सिर्फ इस वजह से कि आपका टीडीएस आपने नहीं काटा है? तो दोस्तों, एक नॉन कंप्लायंस से बचने के लिए आप दूसरी नॉन कंप्लायंस और कर रहे हो। कल को कोई नोटिस आएगा तो आप डिबेट कैसे करोगे कि मैं एक अच्छा नागरिक हूं? वो बाय डिफॉल्ट आपको बैड सिटीजन्स की कैटेगरी में डाल देंगे। ओके, तो देखो एक चीज तो यह है कि एक गलती को छुपाने के लिए एक गलती करते हो और वो गलतियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर बाद में हमें बचने का मौका ही नहीं मिलता, शायद इन शॉर्ट राहुल जी ये कहना चाहते हैं। लेकिन हाँ राहुल जी जी देखो, प्रॉब्लम जो हो रही है, क्या चीजें हो रही हैं वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बुनियादी सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी यूजर होगा या इंडिया में कोई भी टैक्स भरता होगा तो उसके दिमाग में ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि मेरे को आखिरी डेट क्या है और मुझे कब तक भरना चाहिए, नहीं भरता हूं तो मेरी पेनल्टी क्या है और आखिरी हद तक मैं कहां तक भर जा सकता हूं इस चीज को लेके। तो राहुल जी इसके ऊपर देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 31 जुलाई, प्लस एक डेट होती है 30 सितंबर। वो क्रिप्टो यूजर्स के लिए नहीं है अगर आपका बिजनेस की ट्रांजैक्शंस ऑडिटेबल ना हो अदर देन क्रिप्टो। सपोज आपकी एक कंप्यूटर की ट्रेडिंग फर्म है और आपका टर्नओवर वहां पे सपोज 20 करोड़ रुपए है, तो आप एक ऑडिटेबल एसएससी हो। आपकी लास्ट डेट 31 जुलाई नहीं है, चाहे आपने क्रिप्टो में ट्रेडिंग की हो चाहे ना की हो। आपकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। मैं ये मान के चलता हूँ क्रिप्टो यूजर्स की और कोई इनकम नहीं है, तो क्रिप्टो यूजर्स के लिए जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। अब अगर मैं 31 जुलाई तक किसी कारणवश नहीं भर पाता हूं तो मैक्सिमम मैं 31 दिसंबर तक भर सकता हूं, या मैंने 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न भरने में कोई गलती करी है तो उस गलती को मैं रिवाइज कर सकता हूं टिल 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर 2023 तक। अगर आपने क्रिप्टो की रिटर्न में कोई गलती की भी हुई है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। तो दोस्तों थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हमारे पास एक्चुअल में अगर देखें तो टाइम है 3-4 दिन का। 3-4 दिन भी क्या, आज 28 तारीख है, आप समझ लीजिए मोटा मोटा 3 दिन ही है जिसके अंदर हमें अपनी आईटीआर भरनी होती है, चाहे वो क्रिप्टो से रिलेटेड हो या क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं हो। लेकिन क्रिप्टो से रिलेटेड जो यूजर्स हैं, एक्चुअली हमारा चैनल ही इस चीज के लिए है, तो हम कोशिश करते हैं आपको जो भी कठिनाइयां जो भी दुविधा आ रही है उसको समझाने और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें।
तो राहुल गुप्ता जी, बेसिक सवाल, क्योंकि हमारे पास पे भी फीडबैक आ रहा है और यहाँ पर करोड़ों लोग एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं, कई लोग छोड़ चुके हैं, कई लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा सवाल है कि मान लो किसी ने क्रिप्टो करेंसी लेके छोड़ रखी है, तो क्या उस लंबे समय के लिए उसके लिए क्या रहेगा, और शॉर्ट टर्म में जो रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं तो उसके अंदर उसको कैसे टैक्स भरना पड़ेगा, अगर मान लो किसी ने देखिए लेके छोड़ दिया है। देखिए और उसके अंदर भी मैं दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी ने 2 साल पहले लेके छोड़ा है, क्या उसको मेंशन करना पड़ेगा, या उसको कुछ बताने की जरूरत है, या जब वो सेल करेगा, जब वो टैक्स भरेगा तब बताना पड़ेगा, या जो अभी इस साल उसने लिया है लेकिन उसके बाद उसने सिर्फ एक ट्रांजेक्शन करी, उसके बाद कुछ नहीं किया, तो इस बारे में भी थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए। जब आपने परचेज किया था 2 साल पहले, देखिए परचेज को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी नहीं होता, बल्कि ऑप्शनल भी नहीं होता, कोई ऑप्शन ही नहीं होती कि आपने परचेज किया है तो उसको कहीं डिस्क्लोज करो। जब आप सेल करोगे तो आपके पास आपकी परचेज डेट और परचेज कॉस्ट लिखी हुई होनी चाहिए, उससे आप माइनस करके प्रॉफिट निकालोगे, और टैक्स जब आप सेल करोगे तभी लग सकता है। देखिए आपने 100 रुपए का कोई क्रिप्टो खरीदा, आप उसी दिन क्या टैक्स दोगे जब आपको पता ही नहीं आप इसको 200 में बेचोगे या 90 में बेचोगे, आप प्रॉफिट में बेचोगे या लॉस में बेचोगे, आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो जब आप बेचोगे तब आपका टैक्स लगेगा। तो जब बेचोगे तो आपके पास परचेज डेट और परचेज कॉस्ट होनी चाहिए कि भैया मैंने इस दिन और इतने रुपए का खरीदा था, ये मेरा प्रॉफिट है, इस पे इतना टैक्स मैं अब जमा करा रहा हूं। तो जब आप परचेज कर रहे हो तब आपको कोई रिटर्न नहीं डालनी, जब आप सेल करोगे तब आप रिटर्न में दिखाओ। तो मोटा मोटा एक बात तो है, आपने परचेज किया है तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि रिटर्न में मेंशन, और कई लोगों ने 3-4 साल से होल्ड किया है, 2021 से होल्ड किया हुआ है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप सेल करोगे तो जो प्रॉफिट, जो डिफरेंस होगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक और चीज है कि जो अगर किसी ने लिया है और टीडीएस की अगर कैलकुलेशन लेते हैं, उन्होंने टीडीएस काटा नहीं, या उनका टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, अगर मान लो किसी ने P2P किया है या किसी ने इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे किया है, इंडियन एक्सचेंजेस पे नहीं किया है, तो उनका टीडीएस तो वहां पे मेंशन नहीं होगा ना, जहां पे इनकम टैक्स टीडीएस इनकम टैक्स की रिटर्न्स में सिर्फ टीडीएस जो आपका कटा हुआ है सिर्फ वो आता है, आपने जो काटा है वो जिसका काटा है उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न में रिफ्लेक्ट करेगा, आपका किसी आपकी ने रिटर्न से उसका काटा कोई है, लेना देना नहीं है। मान लो क्रिप्टो टू क्रिप्टो किसी ने ट्रेड किया है और आपका किसी ने काटा है और वो मेंशन नहीं हाँ, हुआ है, तो फिर वो अगर क्या? मेंशन नहीं कर रहा है, देखिए अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है तो मुझे उसका इनपुट नहीं मिलेगा, तो आइडियली मुझे उससे टीडीएस का सर्टिफिकेट लेना चाहिए था, जो कि शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल था नहीं, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट लेना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रेडर पता ही नहीं है ना कौन है, बड़ी मुश्किल से तो ट्रेड होती है, उसके बाद फिर उसका सर्टिफिकेट मांगना और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप उसको इग्नोर कीजिए, अगर नहीं आया टीडीएस तो आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, आपको फाइल करनी पड़ेगी रिटर्न विदाउट टेकिंग द क्रेडिट ऑफ टीडीएस इनपुट। ओके, यानी कि जो 1% आपको जो टैक्स के अंदर रिबेट मिल सकती थी या एडजस्ट कर सकते थे आपका जो टैक्स होता है, तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन क्या इसके अंदर हम पे कोई पेनल्टी आती है? नहीं, हमारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है जी, सेलर ने टीडीएस, जो बायर है उसने टीडीएस नहीं काटा, उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी फ्यूचर में, वो आपके लिए आपके पीछे आएगा कि भैया मुझे पैन कार्ड दे दो, मुझे टीडीएस 1% जमा कराने दो, अदरवाइज मुझे 20% जमा कराना पड़ेगा। तो दोस्तों इस चीज में उल्टा करके देखते हैं, अगर मान लो आपने किसी का काटा है और आपने नहीं भरा है और आपको कल को बड़ी परेशानी हो सकती है, और यहाँ पे एक कंडीशन जो मुझे समझ में आ रही है, राहुल जी कह रहे हैं 1% जहां का भरना था आपको 20% की पेनल्टी यहाँ पे भरनी पड़ सकती है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि राहुल जी जो ITR है, देखो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ITR भरने की कोशिश कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, कोई खुद कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल जो है तरीके से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेशनल की मदद भी ले रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल भी गलती कर रहे हैं और ऐसे केसेस या फीडबैक आ रहे हैं, राहुल जी से मैं डिस्कस कर रहा था, तो क्या चीजें निकल के आ रही हैं राहुल जी, और कैसे इनसे बचा जा सकता है, आप थोड़ा सा इस पे आइडिया देंगे, और यहाँ पर किस सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, या क्या वो जो सेक्शन है, मैं एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म नहीं जानता हूँ, माफ कीजिएगा, वो राहुल जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, तो इस पे थोड़ा सा बताएंगे राहुल जी क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए इन्होंने कैपिटल गेन्स के अंदर एक शेड्यूल VDA के नाम से एक अलग टैब दिया है, जिसके अंदर आपको अपनी VDA वर्चुअल मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, राइट? डिजिटल एसेट, हाँ जी, उसके अंदर आपको अपनी सारी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट वाली ही ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को लगता है सर लॉस सेटअप तो होना नहीं है, तो लॉस वाली ट्रांजेक्शन हम क्यों दिखाएं?
देखिए आपको लॉस वाली ट्रांजेक्शन भी दिखानी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट वाली ट्रांजेक्शन दिखानी है। नंबर टू, आपको शेड्यूल वीडीए में ही फिगरें डालनी है। कुछ लोगों ने क्या किया है, कैपिटल गेन्स में अलग दूसरे हेड में इनकम दिखा दी है, वो भी गलत है। आपको शेड्यूल वीडीए में ही इनकम दिखानी है, क्योंकि फ्लैट टैक्स वहीं लगेगा, फ्लैट टैक्स किसी और हेड में नहीं लगेगा। तीसरी गलती जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जी हम अपनी ट्रांजेक्शंस नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, कल को बाद में दिक्कत हो सकती है। देखिए सर, दिक्कत हो सकती है, इससे डर के आप पूरी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज नहीं करोगे तो वो सेकेंड दिक्कत है। कल को अगर मान लीजिए आपकी असेसमेंट लगती है, तो आपको बचाने के लिए हमारे पास कोई ठोस पॉइंट तो होना चाहिए ना, कि भैया हमने जानबूझ के नहीं किया था, बाय फ्लो ये हो गया उस टाइम, और ये चीज हमने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में करेक्टली रिपोर्ट करी है, तो एक जगह तो मैं ठीक हूं। ये अगर मैं कोर्ट ऑफ लॉ में आपके लिए डिफेंड भी करता हूं, तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए जिसके लिए, जिसकी वजह से मैं आपके लिए लड़ पाऊं। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न, देखिए टीडीएस नहीं जमा कराया, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न भी गलत जमा करा दी, डिपार्टमेंट कहेगा भाई साहब आप तो टैक्स ही चोरी करना चाहते थे, आप टैक्स जमा ही नहीं कराना चाहते थे, हम कैसे बचाएंगे फिर आप। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत कॉमन सवाल निकल के आता है। इंडियन एक्सचेंजेस पे लगभग वॉल्यूम ना के बराबर हो गया है जितना पहले होता था। अब बहुत सारे लोग P2P से कर रहे हैं और बहुत सारे लोग डेक्स एक्सचेंजेस पे कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स जिसको बोलते हैं, या बहुत सारे लोग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे कर रहे हैं जिन जो अभी मैप पे नहीं है। अगर हम कंसिडर करते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि कोई बात ले लेते हैं बाइनेंस की बात कर लेते हैं, हुआ भी की कुकॉइन की, तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट हमें आते हैं, सर हम तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी टैक्स की लायबिलिटी जब पता ही नहीं है, तो वहां पे टीडीएस नहीं कटा है, तो हम वहां पे कैसे कंसीडर करें, नहीं भरेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? तो इस बारे में राहुल जी आप क्या कहना चाहते हो? देखिए सर, लास्ट ईयर की हमारे पास काफी सारी इनकम टैक्स की रिटर्न्स पे नोटिसेस आए हुए हैं। कुछ क्लाइंट्स हमारे भी थे जिनकी हमने इनकम टैक्स की रिटर्न डाली थी, कुछ ने खुद भी फाइल की हुई थी, उन सबको नोटिसेस, कुछ बंदों को नोटिसेस आए हुए हैं। अब उनके नोटिसेस मैं क्लियर करवा सकता हूं, प्रोवाइडेड मैंने सेल और परचेज अपनी जेन्युइनली दिखाई हो। अगर मैंने जेन्युइनली टैक्स दिया है तो मैं बच जाऊंगा। अब आप तो डिपार्टमेंट के रिस्क पे हो कि डिपार्टमेंट आपको पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। आप अपनी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो भैया कल को डिपार्टमेंट पकड़ेगा तो 75% टैक्स ले ले, मैं तैयार हूं देने के लिए। प्लीज एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप खुद डिस्क्लोज कर रहे हो तो 30% टैक्स देना, अगर डिपार्टमेंट ने पकड़ा तो 75% टैक्स प्लस 3 टाइम्स पेनल्टी, 225 रुपए पेनल्टी, 100 रुपए की इनकम पे 225 प्लस 75 ये आपसे लिया जाएगा, तो यानी क्योंकि कि आप टैक्स चोरी कर रहे हो। हाँ जी, 300% से ज्यादा की पेनल्टी हो गई है तो एक तरह से। 75 रुपए तो टैक्स हुआ ना, 100 रुपए पे 75 रुपए तो टैक्स हुआ, 100 रुपए की इनकम थी जो आपने नहीं दिखाई, उसका 75% 75 रुपए, और 75 रुपए का 3 टाइम्स पेनल्टी 225 रुपए, तो टोटल 225% तीसरा आपको पॉइंट। टैक्स देना पड़ेगा एक तरह से, ये कह रहे हो आप? हाँ जी, और आप अपील लड़ोगे वहां पे भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने इनकम टैक्स रिटर्न तो भरी नहीं थी। कोर्ट ऑफ लॉ आपकी बात क्यों सुने? राइट एग्जैक्टली। एक और बहुत कॉमन सवाल है, अब एक दो लोग कहते हैं कि मैं तो प्रॉफिट में था। अब यहाँ पे सीन क्या होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर बताता हूँ, कई ट्रांजेक्शन के अंदर तो प्रॉफिट होता है, लेकिन मार्केट की जब हालत खराब हो जाती है तो जो आपका पोर्टफोलियो होता है वो 80% डाउन चला जाता है। अब जहां प्रॉफिट में आपको टैक्स देना है और आपका प्रॉफिट रहा नहीं बल्कि आप नुकसान में रह गए और आपका पोर्टफोलियो जीरो होने की कगार पे हो जाता है। अब बंदा कहता है मैं तो लॉस में हूं, लॉस की एडजस्टमेंट है नहीं, प्रॉफिट मुझे देना पड़ेगा, मेरे पास भैया पैसा नहीं है। अब इस केस के अंदर अगर वो टैक्स नहीं भरता है और कल को इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है, 225% नहीं दे पाता है, तो वर्स्ट सेज के सिनारियो के अंदर क्या आगे का स्टेप रहता है? सर देखिए, दो रास्ते हैं, या तो आप पहले जब आप कमा रहे हो आप तभी टैक्स दे दो एडवांस टैक्स की तरह, चलिए अगले सालों से तो आप ये फॉलो कर लीजिएगा, एडवांस टैक्स जैसे जैसे आप प्रॉफिट कमा रहे हो तभी की तभी जमा कराते हुए चलो, सो दैट आप सारा पैसा अपना कैपिटल ब्लॉक मत करो। एंड मैं हमेशा से एक चीज बोल के चलता हूं, डोंट पुट योर एसेट्स इन ए सिंगल बास्केट, अपने सारी कमाई के एसेट्स को एक ही जगह मत रखो, कीप इट डिवाइडेड। अगर आप एक कॉइन में भी मत रखो, सारा क्रिप्टो में भी मत रखो, सारा किसी और फील्ड में भी मत रखो, अपने एसेट्स को हमेशा डिवाइड करते हुए चलो। अब चलो आपने नहीं किया डिवाइड जी, अब आपका 80% पोर्टफोलियो डाउन है, 20% वैल्यू आ रही है, आप बेच भी नहीं सकते। देखो सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिमांड तो रिजिड है, अब आप जो है वो प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो,
कि भैया मैं पकड़ा गया तो दूंगा, नहीं पकड़ा गया तो नहीं दूंगा। बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा सर, स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट अपने आप भी निकलवाती है सर। जब किसी को नोटिस आया है ना, 31 मार्च 2018 के भी मेरे पास कुछ नोटिसेस आए हुए हैं सर, उनके पास सेल वैल्यू तक थी कि आपने कितने अमाउंट के क्रिप्टो बेचे हैं, एंड दैट टू नॉट इन इंडियन एक्सचेंज। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि इंडियन एक्सचेंज का ही डाटा जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, भैया फॉरन का भी आ जाएगा। उन वो अगर ढंग से लगे आपकी फाइल के ऊपर तो वो फॉरन का भी निकाल लेंगे डाटा। और जिसके केस में वेरिएशन ज्यादा होगा, सपोज आपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया ही नहीं और वहां से रिपोर्ट आ गया उनके पास कि भैया इस बंदे ने सपोज 50 लाख रुपए के क्रिप्टो सेल किए, तो वेरिएशन आ गया 50 लाख का, सीधा नोटिस आएगा सर, डिफेंड कैसे करोगे? राहुल जी, एक बेसिक सवाल रह गया, क्या एक डर लगा रहता है लोगों को, मैंने टैक्स नहीं भरा, मेरी पेनल्टी भी नहीं है, मैं हाथ जोड़ के भी अगर खड़ा हो जाऊं और मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या ये जेल के सिचुएशन होती है, जेल जाता है बंदा, क्या होता है इस केस में? सर देखो, जेल तो वर्स्ट सिनेरियो है, जब सब कुछ खत्म हो जाए, वो आपकी एसेट आपके ईएमआई हो एसेट सकती है, अटैच कर लेते हैं, क्या एसेट्स होता है? अटैच करेंगे, आपकी ईएमआई बनाएंगे, आपको अलग अलग तरीके से ऑप्शन देंगे कि भैया किसी भी तरीके से पैसे दे दो, क्योंकि आपको जेल में डाल के गवर्नमेंट का भी कोई भला नहीं हो रहा। गवर्नमेंट किसी क्या कहते हैं, बेकसूर इंसान को जेल में नहीं डालना चाहती। प्लीज ये चीज बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि गवर्नमेंट खुश होती है जेल में डाल के, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है भैया हर बंदा काम करे, मेहनत करे और इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करे। तो भैया अगर आपको जेल में डाल दिया तो क्या आप इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करोगे? तो दोस्तों, ओवरऑल उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्या गलतियां कर रहे हैं, वीडीए के अंदर डालो, कैपिटल गेन टैक्स के सेक्शन के अंदर वो मेंशन है, नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग डायरेक्ट भर रहे हैं, कई लोग छुपा रहे हैं, तो ओवरऑल क्या वर्स से वर्स हो सकता है और क्या आपको करना चाहिए, ये ऑलरेडी राहुल गुप्ता जी ने बता दिया है। लेकिन इन ये राहुल गुप्ता जी का खुद का यूट्यूब चैनल भी है और आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत सारा क्रिप्टो का कॉन्टेंट मिल जाता है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां आप उनको फॉलो कर सकते हो। अगर आप फिर भी मदद कर लेना चाहते हो किसी प्रोफेशनल की, तो आप अपने आसपास अगर कंफ्यूजन है तो उनसे बात कर सकते हो, और नहीं है तो राहुल गुप्ता जी को भी अप्रोच किया जा सकता है, वो आपकी आईटीआर भरने में आपकी मदद कर सकते हैं। और 2-3 दिन ही रह गए हैं, तो कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी आप सारी चीजें कर पाओ, क्योंकि डेटा को निकालना, बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं होता है, तो यहाँ पे किया जा सकता है। अगर फिर भी डिले हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप नहीं भर सकते हो, लेकिन फिर पेनल्टी और इंटरेस्ट कुछ कंसिडरेशन के अंदर आते हैं, राइट राहुल जी? Yes, 5,000 की लेट फीस लगती है जी 31 जुलाई के बाद। 5,000 की लेट फीस लगेगी और इंटरेस्ट जो 18% के आसपास है, एम आई करेक्ट, वो आपको देना पड़ता है। यस, परफेक्ट लेकिन परफेक्ट टेंशन परफेक्ट नहीं लेना है, सही टाइम पे सही चीजें करोगे और सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, तो उम्मीद करता हूं आपका और देश का फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहेगा। क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर हमें तो लगता है, लेकिन थोड़ा समझदारी से ट्रेड करने की जरूरत है, टाइम पे सारी चीजों को करने की जरूरत है। और फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप राहुल गुप्ता जी को अप्रोच कर सकते हो और इनसे भी आप मदद असिस्टेंस ले सकते हो कि आईटीआर कैसे भरनी है। इसी नोट के साथ में मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ राहुल गुप्ता जी को कि इन्होंने जी दोबारे से समय निकाला और कोशिश की हमें और ज्यादा क्लियर करने की और लोग क्या गलती कर रहे हैं उसको बताने की। थैंक यू राहुल गुप्ता जी, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और राहुल गुप्ता जी का भी जो चैनल है यूट्यूब का, उसको भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।